गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 15 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इस बार फिर गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में। वही अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वर्तमान में मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो आपको गुजरात से जुड़े ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता रहता है। तो आपको याद रखना है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, दूसरे स्थान पर है हमारा देश भारत, तीसरे पर है इंडोनेशिया और चौथे स्थान पर है बांग्लादेश। तो आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, जिसके बाद है भारत, फिर है इंडोनेशिया और चौथे नंबर पर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। क्वेश्चन नंबर 3 था, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में, ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया था। और अब हाल ही में कुछ समय पहले 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया है। तो आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था 1950 में, और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे कल के टेस्ट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा। वही बात करें 15 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 15 सितंबर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहला तो ये कि स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज पोत INS दिल्ली, ठीक है दोस्तों ये नाम है INS दिल्ली, ये बंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला ध्वज पोत का क्या नाम था, तो उसका नाम था INS दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है 15 सितंबर 1948 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज पोत INS दिल्ली बंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, और फैक्ट 2 है, भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई थी। तो ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1971 को। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में 15 सितंबर के दिन, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम में। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है 15 सितंबर से जुड़े हुए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली कब आया था, 15 सितंबर 1948 को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1959 को। और तीसरा है ग्रीन पीस की स्थापना, ठीक है दोस्तों ग्रीन पीस ये गठन हुआ था हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है 15 सितंबर से जुड़े हुए, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारत में 15 सितंबर के दिन नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अब ये डे 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के महान अभियंता यानी कि इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। तो भारत के महान अभियंता हुए मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया। ठीक है दोस्तों, आपको इनका सरनेम जरूर याद होगा विश्वेश्वरैया, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। इनका पूरा नाम था मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया। ठीक है दोस्तों, इनके जन्मदिवस के अवसर पर, इनका जन्मदिवस है 15 सितंबर को, और इसी दिन
नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वही अगर बात करें तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1955 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और 1955 में भारत रत्न मिला था मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो कोरोना महामारी में जिन लोगों से रोजगार छूट गया था उन्हें रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। अब बात है उत्तराखंड की, तो हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। मैं इससे पहले भी आपको उत्तराखंड के बारे में बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून, वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और यह भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि भारत का 27वां राज्य कौन बना था, तो आपको नाम याद रखना है उत्तराखंड। 26वां बना था छत्तीसगढ़, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, 27वां बना था उत्तराखंड और 28वां बना था झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों नाम जो है तीनों राज्यों के गठन याद रखने हैं, साथ ही आपको उत्तराखंड से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित US ओपन टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किन्होंने जीता है? तो हाल ही में डोमिनिक थिम ने, यह है डोमिनिक थिम जिन्होंने 2020 का US ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है हाल ही में आयोजित US ओपन टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है डोमिनिक थिम ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में इमामी लिमिटेड ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह है जूही चावला जो अब इमामी लिमिटेड की हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर होगी, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने आमिर हयात और अशफाक अहमद को मैच फिक्सिंग के कारण सस्पेंड किया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अशफाक अहमद और आमिर हयात ये दोनों ही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और अब हाल ही में इन्हें मैच फिक्सिंग के कारण ICC ने सस्पेंड किया है। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों को लेकर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के नाम में से कोई एक नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टीम के खिलाड़ी है जिन्हें ICC के द्वारा सस्पेंड किया गया है, तो आपको याद रखना है ये दोनों संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी है। साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में IPL 2020 का आयोजन हो रहा है UAE में जो कि 19 सितंबर से शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है इस वर्ष IPL का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो UAE में। तो ये थे 15 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? ये प्राचीन काल में एक रचना थी, आपको बताना है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दो है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताना है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके पास है चार ऑप्शन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर तीन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में देखा जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई थी 1939 में। आपको ये भी याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई थी 1939 में और अब आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ये था आज का टेस्ट वीडियो और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में आयोजित US ओपन में महिला वर्ग का खिताब किन्होंने जीता है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कल की वीडियो से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि हाल ही में आयोजित US ओपन में महिला वर्ग का खिताब किन्होंने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे 15 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही आज का टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट वीडियो और आज के सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं
उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।